हे hey दोस्तों, अगर आप भी किसी के शेयर किए हुए गूगल ड्राइव लिंक से कुछ डाउनलोड करने की कोशिश करते हो तो ये साला डाउनलोड ही नहीं होता। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया तो ये ऊपर गूगल ड्राइव डाउनलोड हो रहा है, लेकिन ये डाउनलोड साला कब तक होगा ये नहीं पता। ये कभी कभी तो नहीं होता, 0 KB का फाइल मैनेजर में पड़ा हुआ रहता है लेकिन डाउनलोड नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि ये मोबाइल वाला गूगल ड्राइव ऐप एक नंबर का चूतिया है, तो इसको कैसे आप सॉल्व करें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ये डाउनलोड कभी मत करना इसे। तो आपको जो भी लिंक मिलेगा, आप इस गूगल ड्राइव ऐप में एक बार उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ से नहीं डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों, आपको यहाँ पे जो एक ट्रिपल डॉट दिखाई दे रहे हैं साइट पे, इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी लिंक। इसके बाद आपके ही मोबाइल के गूगल क्रोम को ओपन करना है। और ध्यान रहे दोस्तों, आपको यहाँ पे नहीं सर्च करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका गूगल आईडी साइन इन है और ये गूगल ड्राइव चूतिया आपके गूगल आईडी से ही डाउनलोड होने की कोशिश करेगा। क्योंकि दोस्तों ये एक पब्लिक शेयर लिंक है, तो इसके लिए आपको गूगल ड्राइव की आईडी की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे जो ट्रिपल डॉट है इस पर क्लिक करना और न्यू इनकॉग्निटो टैब में ओपन कर लेना। इसके बाद यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट कर देना। आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो लिंक था वो यहाँ पे ऐसे आ गया। तो आप ऊपर जो डाउनलोड बटन है इस पर क्लिक कर देना। अब आपको कुछ इस तरह की डेंजर वाला लुक दिखाएगा। असल में दोस्तों, ये डेंजर फाइल नहीं है, ये गूगल ड्राइव में अगर ऐप में होता तो ये डेंजर नहीं दिखाता। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस पर डाउनलोड एनीवेयर पे क्लिक कर देना है। तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया। ये देखो, देख सकते हो दोस्तों, डाउनलोड 1 सेकंड में स्टार्ट हो गया और बहुत ही फास्ट डाउनलोड होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, ये जो इनकॉग्निटो टैब है ये भी एक नंबर का बेवकूफ टैब है। अगर आप गलती से इस ऊपर जो इनकॉग्निटो वाला चश्मा है इस पर एक बार क्लिक करोगे तो ये इनकॉग्निटो खल्लास हो जाएगा, फिर आपका डाउनलोड भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको हमेशा इसको ओपन करके रखना है ऐसे। मुझे पता है, क्योंकि आप वो वाला फिल्म देखते हो इनकॉग्निटो टैब में, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो ऐसे ट्रिक्स के लिए मुझे ज़रूर फॉलो करें।